नहीं, अगर PFI का कोई सदस्य उनसे लिंक होते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन PFI जितने खतरनाक एक संगठन है हम देखते हैं, इससे और हजार गुण ज़्यादा खतरनाक RSS है, बजरंग दल है, और दूसरे इस तरह का कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइज है जो मॉब लिंचिंग करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को मार देते हैं, पिटाई करते हैं, और कोई दूसरे मजहब के जितने उनके तामीर है उनको तोड़ते फोड़ते हैं और आपसी भाईचारा में तनाव पैदा करते हैं। तो PFI को बैन किया, अगर उसके खिलाफ सरकार के पास कुछ सबूत है तो ठीक है, लेकिन इससे हज़ार गुण ज़्यादा खतरनाक जो तंजीम है उनको भी बैन करना चाहिए, ताकि भारत में और हिंदुस्तान में पूरे आपसी भाईचारा कायम रहे और शांति अमन कायम रहे, इसलिए उनको भी बैन करना क्या चाहिए। क्या आप हाँ क्या हाँ मानते हैं? RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू, इस तरह का कुछ तंजीम है जो देखते हैं उनके जो कैडर है, बहुत सारे कैडर तो पाकिस्तान के ISI को ISI का एजेंट भी निकला है, उन जो बजरंग दल हो और RSS को उनका सदस्य, और बहुत ऐसे होते हैं जितने मॉब लिंचिंग होते हैं UP में हो, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सारे के सारे मॉब लिंचिंग में उन्हीं का सदस्य पाए जाते हैं जो मजहब के नाम पे दूसरे मजहब के लोगों को मार मार गिराते हैं। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि किसी का मस्जिद में हो और मदारिस में हो, वो लोग अटैक करते हैं और दूसरे मजहब के लोगों को छेड़ती भी है, और ऐसा बयान बयानबाजी करते हैं जिनसे हिंसक बयानबाजी करते हैं, जिनसे आपसी भाईचारा और मजहब में तनाव पैदा हो सकते हैं। हाँ हाँ RSS PFI का तो एक्चुअली टेरर टेरर एक्टिविटीज तो मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि RSS भी टेरर टेरर ऑर्गेनाइजेशन हाँ, है? उन लोगों का तो बहुत सारे ऐसे वीडियो भी सामने आ जाते हैं कि उन लोग जिस तरह के जय श्री राम कह के कोई मुसलमान लोग को अगर तन्हाई में कहीं मिले तो मार गिराते हैं, ऐसा सैकड़ों इस तरह का इंसिडेंट घटना हिंदुस्तान में हुआ था। लेकिन जब तक हमारा BJP सरकार उनका हिमायत करते हैं, BJP का सहयोगी है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होते और वो लोग सही सलामत अब तक इस तरह का मर्डर करते हुए भी और लोगों को मर्डर करते हुए भी वो लोग सही सलामत रहते हैं, क्योंकि BJP उन लोगों का हिमायत करते हैं। अगर AUDF असम में नहीं, अगर PFI का कोई सदस्य उनसे लिंक होते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन PFI जितने खतरनाक एक संगठन है हम देखते हैं, इससे और हजार गुण ज़्यादा खतरनाक RSS है, बजरंग दल है, और दूसरे इस तरह का कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइज है जो मॉब लिंचिंग करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को मार देते हैं, पिटाई करते हैं, और कोई दूसरे मजहब के जितने उनके तामीर है उनको तोड़ते फोड़ते हैं और आपसी भाईचारा में तनाव पैदा करते हैं। तो PFI को बैन किया, अगर उसके खिलाफ सरकार के पास कुछ सबूत है तो ठीक है, लेकिन इससे हजार गुण ज़्यादा खतरनाक जो तंजीम है उनको भी बैन करना चाहिए, ताकि भारत में और हिंदुस्तान में पूरे आपसी भाईचारा कायम रहे और शांति अमन कायम रहे, इसलिए उनको भी बैन करना क्या चाहिए। क्या आप हाँ क्या हाँ मानते हैं? RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू, इस तरह का कुछ तंजीम है जो देखते हैं उनके जो कैडर है, बहुत सारे कैडर तो पाकिस्तान के ISI को ISI का एजेंट भी निकला है, उन जो बजरंग दल हो और RSS को उनका सदस्य, और बहुत ऐसे होते हैं जितने मॉब लिंचिंग होते हैं UP में हो, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सारे के सारे मॉब लिंचिंग में उन्हीं का सदस्य पाए जाते हैं जो मजहब के नाम पे दूसरे मजहब के लोगों को मार मार गिराते हैं, और कभी कभी ऐसे होते हैं कि किसी का मस्जिद में हो और मदारिस में हो, वो लोग अटैक करते हैं और दूसरे मजहब के लोगों को छेड़ती भी है, और ऐसा बयान बयानबाजी करते हैं जिनसे हिंसक बयानबाजी करते हैं, जिनसे आपसी भाईचारा और मजहब में तनाव पैदा हो सकते हैं। हाँ हाँ RSS PFI का तो एक्चुअली टेरर टेरर एक्टिविटीज तो मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि RSS भी टेरर टेरर ऑर्गेनाइजेशन हाँ, है? उन लोगों का तो बहुत सारे ऐसे वीडियो भी सामने आ जाते हैं कि उन लोग जिस तरह के जय श्री राम कह के कोई मुसलमान लोग को अगर तन्हाई में कहीं मिले तो मार गिराते हैं, ऐसा सैकड़ों इस तरह का इंसिडेंट घटना हिंदुस्तान में हुआ था। लेकिन जब तक हमारा BJP सरकार उनका हिमायत करते हैं, BJP का सहयोगी है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होते और वो लोग सही सलामत अब तक
इस तरह का मर्डर करते हुए भी और लोगों को मर्डर करते हुए भी वो लोग सही सलामत रहते हैं, क्योंकि बीजेपी उन लोगों का हिमायत करते हैं। अगर यूडीएफ असम में